नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज की ये वीडियो मैंने स्टार्ट करी है, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हरी मिर्च और जो आजकल मार्केट में करौंदे आ रहे हैं ना, खट्टे खट्टे होते हैं, तो उनको फ्राई करके कैसे बनाना होता है। वो बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आप खाना खाते टाइम सब्जी, मतलब किसी भी सब्जी के साथ, खाने के साथ ले लो, तो एक रोटी आप एक्स्ट्रा ही खा लोगे। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं सीधा आपको उसकी रेसिपी पे लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना ये करौंदे और हरी मिर्च पहले कट करके रख ली है। ये देखिए, यहाँ पे इनको पहले मैंने अच्छे से धो के फिर इनको, मतलब थोड़ा सा सूखने के लिए रख दिया था, और फिर इनको मैंने कट कर लिया है। करौंदे आप इस शेप में कट कर सकते हो, या इससे छोटी, ज़्यादा खट्टा, मतलब एकदम से मुंह में खट्टा आ जाए वो पसंद नहीं है, तो इससे छोटी शेप में भी आप उन्हें कट कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने ना मिक्सी में लिया है, ये देखिए, एक चम्मच सौंफ लिए हैं, एक चम्मच राई ली है, और दो चम्मच मैंने लिए हैं यहाँ पर सूखा धनिया। तो इनको मैं पहले पीस लेती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से पिस के तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको बनाने जाती हूँ। तो हमारी कढ़ाई हो चुकी है गरम, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सरसों का तेल। आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी ये चीज़ बना, मतलब मिर्ची या कोई भी फ्राई चीज़ बनाते हो ना, तो उसे रिफाइंड में नहीं, सरसों के तेल में बनाना ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि सरसों के तेल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इसका, जब तक ये गर्म नहीं होता, इसका वेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा तेल हो चुका है गरम, अब हम इसमें ये ऐड कर देते हैं। इसके अंदर साथ के साथ हमने जो ये मसाला बनाया था ये भी ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसको हम 2 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट, और हमारी जो मिर्ची थी वो हल्की सी शेलो फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। इसे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट अनुसार नमक। हल्दी थोड़ी सी और डाल देती हूँ मैं इसमें, क्योंकि थोड़ी कम लग रही है हल्दी मुझे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जब तक ये, मतलब कि अच्छे से फ्राई नहीं हो जाते हैं ना, जैसे कि हमारी मिर्ची भुन जाती है, हल्की सी गोल्डन कलर में हो जाती है, तो तब तक हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारी मिर्ची कैसी तैयार। ये देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। ये देखिए, गोल्डन कलर आ चुका है इसमें। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। मिर्ची हैं, ज़्यादा मिर्ची हम नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी सी ले रही हूँ। देखिए, और यहाँ पे मैंने बनाई है दाल, और उसके साथ जाएगी ये मेरी मिर्ची और करौंदे की सब्जी। तो हमारी ये अच्छी टेस्टी सब्जी बनके हो चुकी है तैयार। आप भी इसे बना के ज़रूर देखिएगा एक बार, और मुझे बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा है। मुझे तो बहुत पसंद है ये, और अभी मैंने गर्मी में रोटी बनाई है तो पूरी पसीने से भीग चुकी हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर पंखे में बैठूँगी और उसके बाद खाना खाऊँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बाय माय यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग के साथ और नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। बाय।